सो हे वेलकम बैक टू गाइस माय चैनल रिएक्शन वालों में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली आ चुका है थोर का ट्रीजर, ट्रेलर नहीं है ट्रीजर, बहुत दिनों बाद आ चुका है। काफ़ी दिनों से इंतजार था लव एंड थंडर के साथ। तो इस टीज़र मेरे ख्याल से 1 मिनट 30 सेकंड का है, तो काफ़ी अच्छा ही होगा। जो मार्वल्स की मूवीज़ होती हैं काफ़ी बढ़िया ही होती हैं, बट एक गंदी लगती है। रातों को टीज़र लॉन्च करते हैं, ट्रेलर लॉन्च करते हैं जब हम सो रहे होते हैं, पर इनकी क्या गलती है, इनका अपने टाइमिंग के अनुसार करते हैं। तो कुल मिला के बात है, आ गए हैं अपने थोर भाई साहब और इस टीज़र पर हम देने वाले हैं अपना रिएक्शन। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिखाया गया क्या नहीं, तो उसके बाद करेंगे बात। चैनल पे जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपको अच्छी लगती है तो, एंड ऐसी मोटिवेट करते रहिए मुझे। तो करते हैं स्टार्ट। अच्छा थोर भाई साहब, जो हाथ कभी जंग के हथियार थे वो अब अमन के औजार बन चुके हैं। अमन के औजार, मुझे समझना ही होगा कि आखिर मैं हूं कौन। कौरव भाई बड़े मतलब अच्छी आवाज डबिंग करते हैं, जो नहीं जानता जाके देख लेना। मुझे अपना रास्ता बॉडी बना ली, इस पल में जीना है। हो लड़ नहीं रहा था और वापसी भाग गया। अब हीरोगिरी के दिन खत्म। ओके ये कहाँ पहुंच गए, बिजली के पास। ये फादर उतने हैं एज ए प्लांट, ये बिल्कुल कॉमिक वाला इन्होंने सीन कॉपी करा है, बिल्कुल कॉपी पे है इसलिए। एज गार्ड अच्छा नीचे बन गया, बस उनकी आंखों में डूब जाना जिनसे तुम्हें मोहब्बत। अच्छा मेरी नहीं, क्या बस सुन रहा हूँ। लव एंड थंडर, ओ हैमर इज बैक, ए जोश है जुलाई को। तो भाई साहब ये तो एकदम सरप्राइज वाली बात कर दी इन्होंने कि हैमर वापसी आ गया, वो भी जहाँ टूटा फूटा जैसा टूटा था, वो ये मुझे लग रहा है वहीं से वापस लाए हैं। और इस मूवी का नाम लव एंड थंडर के साथ साथ कॉमेडी भी होना चाहिए जो उसमें दिखाया गया है। तो काफ़ी अच्छा टीज़र है और ट्रेलर भी आएगा ही, तो वो भी बहुत जल्द आएगा, अभी तो जुलाई में आनी है फिल्म, तो नेक्स्ट मंथ ही आएगा। तो काफ़ी सारी भाषाओं में इन्होंने टीज़र लॉन्च करा है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। और काफ़ी अच्छी गौरव भाई जो हैं डबिंग करी है थोर की, काफ़ी दिनों बाद ये आवाज़ सुनी है, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। एंड कॉमेडी भी है इस मूवी के अंदर, तो थोर की तो रहती ही है। और गार्डन गैलेक्सी इनके साथ हैं इस बार मूवी के अंदर, तो इस बार थोर भाई ने अपने हथियार डाल दिए हैं, बट लास्ट में जो हैमर आ गया है ना वापस, वो देखना पड़ेगा स्टोरी। अब मार्वल वाले तो कहाँ की कहाँ सोचते हैं, पता नहीं क्या से क्या लिया है, कहाँ से क्या जोड़ दे। तो काफ़ी अच्छा टीज़र लगा मुझे तो, और काफ़ी बढ़िया लगा। और एक दो कॉपी के जो सीन दे ना, मैंने बिल्कुल कॉमिक में डिट्टो देखे थे जहाँ थोर और वो खड़े थे, वो पत्थर वाला है उसको नाम याद नहीं आ रहा, बिल्कुल डिट्टो सीन मैंने कॉमिक में भी देखा हुआ है वो, बट इतनी कॉमिक में पढ़ता नहीं हूँ, थोड़ी बहुत इनकी वजह से पढ़ लेता हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा टीज़र, तो रहेगा ट्रेलर का इंतजार। तो कैसा लगा मेरा रिएक्शन वीडियो आपको, एंड चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना शेयर करना, एंड ऐसी मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।